अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज के व्लॉग में हम आए हैं कराची के विंटरलैंड, जो कि है पाकिस्तान एयरफोर्स पीएफ म्यूजियम में। सो यहाँ पे मतलब के अभी हम आए हैं एंजॉय करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में हम लोग आए थे कराची, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं विंटरलैंड के अंदर। आगे ही आप देख सकते हैं कि है टिकट काउंटर, ये यहाँ पे टिकट्स हैं। सो ये आप देख सकते हैं। सो अभी हम जाते हैं अंदर और लेते हैं अपने टिकट्स। हम लेंगे अराउंड 9 टिकट्स, हम 9 और एक छोटा हमारे साथ कज़न है, तो वो अंडर एज है। तो अभी मैं आगे अबू खड़े हैं, वो ले टिकट्स और बाकी आप देख सकते हैं अंदर वाली जगह। सो गाइज, ये हमारे टिकट 14.99 का और हमने लिए 9 टिकट्स। तो ये आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी हम हैं कैफेटेरिया में विंटरलैंड के और अभी हम सारे कज़न यहाँ पे बैठ चुके हैं। वो है मेरे अंकल और ये है मेरे अबू। अभी हम हैं विंटरलैंड के वेटिंग एरिया में। हमारा स्टार्टिंग टाइम है 3:50। अभी जाएंगे 3:50 को क्लॉथ्स पहनेंगे, 4:50 तक और फिर 5 o'clock तक हमारा वहाँ पे है शे अंदर, जो विंटर के अंदर है, जो भी कम है। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे कैफे है, वहाँ से हम देख रहे हैं कुछ ले रहे हैं, क्रीम चूज कर रहे हैं। तो अब वो सारों से फ्लेवर पूछ रहे हैं, विंटर और पिस्ता और मैंगो ही है, तो मैं पिस्ता ले रहा हूँ। और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, टाइम भी अभी 3:50 नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। जैसे ही 3:50 होगा हमें बुला लिया जाएगा और नीचे जाएंगे, कपड़े पहनेंगे और फिर अंदर जाएंगे जिधर भी वो सारी बर्फ शर्फ है। अभी यहाँ पे हम बैठे थे कैफे पे और फ्राइज हमने मंगवाए हैं, सारे खा रहे हैं। आइसक्रीम भी खत्म कर ली और टाइम 3:43 हो गए। बस अभी हम नीचे जा रहे हैं टिकट्स लेके। तो ये देख ले, छोटा कजन अभी खा रहा है, बाकी सबने खत्म कर लिए, फ्राइज भी खत्म हो गए। निर्वाण बस कर दो, टाइम से पहले ही नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमने वो जैकेट भी धोएंगे तो उसको पहनना था, वरना बहुत लेट हो जाएगा। आगे आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा रश भी हो गई है तो अभी बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे हमें। आप आगे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रश है। देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है और आगे सारे जैकेट्स हैं। तो कुछ पहन भी हैं, कुछ उतार भी हैं, सॉक्स भी मिल रही हैं आपको, मैं दिखा देता हूँ सारे जैकेट्स हैं। अब चलते हैं अंदर, एडल्ट्स का है, अभी आगे ही किड्स की एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ है, जैकेट्स। तो अभी हमें आगे जाना पड़ेगा, पीछे सारे एडल्ट्स के हैं। तो ये अबू के मेरे पास कुछ सॉक्स वगैरह हैं, वो जो उन्होंने पहने हैं, तो ये मैं उनको दे देता हूँ और आगे जाके हम अपना जैकेट पहनते हैं। और सामने ही हमारे विंटरलैंड के एंट्रेंस है, तो अंदर से जाए हम ठंडी जगह पे, लेकिन अंदर से हवाएं निकल रही हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे जैकेट भी मिल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, या देख सकते जैकेट मिल गाइस। अभी मैंने सारे जैकेट्स और ग्लव्स पहने भाई, अभी हम पाए और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, आपको मैं सारे दिखाता हूँ। जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे सॉक्स वगैरह लेके आए थे और अभी पहने, वो भाई बहुत गर्मी है और इतनी गंदी बदबू आ रही है इससे। वे अभी चलते हैं अंदर, सारे पसीना पसीना हो गए, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। गाइस जी, आप देख सकते हैं सारी फैमिली। अभी हम अंदर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है, कसम से हमारा मुंह पे जो गर्मी थी और वो था ना, क्या कहते हैं, पसीना, वो सारा ख़त्म हो गया। सारी चीज़ें यहाँ पे बर्फ़ से बनी हुई, आपको मैं सब दिखाता हूँ जो भी बर्फ़ से बना। स्टार्टिंग की स्टेयर्स भी बर्फ़ से बनी है। ओ भाई, कितना मज़े का और कितना प्यारा लगा, आपको मैं सब दिखाता हूँ। अब कह सकते हैं मेरा पसीना एक किस्म से है ना जम गया है। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं विंटरलैंड में। सो ये आप देख सकते हैं हर जगह बर्फ़ है और धुआं भी बहुत ज़्यादा है और ये बना हुआ है स्नोमैन, सारी चीज़ें। और ये एंट्रेंस थी, सारी चीज़ें बर्फ़ की बनी हुई है, लगता नहीं है, ये सोफ़ा सच्ची में असली लग रहा था, लेकिन ये सारा बर्फ़ से बना हुआ है। सो अभी चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको सब चीज़ें। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं आगे है हट और ग्रीन लाइट्स भी लगी हुई है। सो गाइज, अभी हम आगे चलते हैं और ये आप देख सकते हैं, ओ भाई कितना अच्छा व्यू है आगे, मतलब व्यू क्या कितनी अच्छी बना हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल बर्फ है असली रियल ठंडी। ओ भाई, मैं एक हाथ जिसमें मैंने ग्लव भी पहना हुआ वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, बहुत ठंड है यहाँ पे यार भाई, कराची की गर्मी का लाजवाब दावा, लाजवाब दावा, एक मुंह तो जवाब दिया है विंटरलैंड ने कराची की गर्मी को। सो गाइस, यार
मतलब झूले भी है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें, और फोटो फोटो भी खींचेंगे। तो अभी हम ऊपर जाए स्लाइड लेने के लिए जाते हैं हर जगह पे। और अभी अतिश में गंदा गया, कैसे गया ये है? ओ भाई आगे बर्फ गई है ऊपर से, और बहुत मजे का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज बनी, वहाँ पे भी मैं जाता हूँ। अभी हमें ये ट्यूब मिली थी और यहाँ पे स्लाइड है, सो अभी इस ट्यूब को मैं लेके जा रहा हूँ स्लाइड के लिए। सो चलते हैं यहाँ पे, मैं ट्यूब को उठा के बैठा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं वो हर किसी को स्लाइड देते हैं। सो अभी मैं भी चलता हूँ। तो अभी मुझे भी स्लाइड देनी है। सो 3, 2, 1 गो। ओ भाई बहुत मजे की स्लाइड है, फिर से चलते हैं। हाँ हम उसी स्लाइड के पास में दूसरी स्लाइड है जिसमें हमें उठाया जाता है, और ये बहुत लंबी स्लाइड है। सो अभी मैं इस पे आया हूँ और बहुत ज्यादा ठंड है, मैं लिफ्ट कसम से ठंड की वजह से फट रही है, और ये मेरे ख्याल से स्लिप हुई है, सारे गए हैं। सो अभी इस पे चलती है और देखते क्या होगा। मैंने पिछली दो भी स्लाइड ली है, वो भी बहुत मजे की थी, सिंपल थी। सो अभी ये भी ट्राई कर, अभी वेट करिए, मैं और मैं अबू भी यहाँ पे वेट करेंगे। वो स्लाइड ले अभी मैं ही अभी मैं ही भाई हूँ अभी मैं ही भाई है सो अभी मैं जा रहा हूँ साइड। तो बहुत मजा आया वो भाई, भाई साहब बहुत मजे किया, बहुत ज्यादा स्पीड है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई बहुत अमेजिंग। सॉरी सर, अभी हम आए हैं अरे वो जो बम्पी कार होती है ना जो एक दूसरे को मारती है, वैसे ही स्नो में चलाते हैं इसको भी और देखते हैं कैसी है ये। तो अभी वो इंस्ट्रक्शन देंगे वो कैसे चलाते हैं। कैसे चलाए भाई इसको, तो अभी देखते हैं कैसे चलानी है। ओवरड हो गया, जिस स्लाइड पे हम गए वही खराब है। सो अभी साइकिल पे बैठता हूँ, एक सेकंड। सो अभी मैं साइकिल पे बैठा हूँ, साइकिल चलाते हैं अभी, चल देखते हैं सब कुछ करते हैं। भाई अभी मेरे पास आया, कहता है जिप लाइन कर। वो भाई साइकिल तो बहुत ज्यादा ओफ। सो गाइस अभी मैं चला रहा हूँ साइकिल, और बहुत ज्यादा यार यहाँ पे स्लिप है। ओह भाई साइकिल चलाने लायक तो है, मजा भी बहुत आता है, लेकिन भाई बहुत हार्ड है चलाना। मैं से लिटरली मुड़ नहीं आई, एक हाथ में मेरे कैमरा है, एक हाथ में मेरे साइकिल का हैंडल है, और वो भी बहुत ज्यादा शेकी, मतलब वो है ज्यादा हिलता नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। अभी उतरता हूँ, मेरा भाई कह रहा है यहाँ पे जिप लाइन है, जिप लाइन ट्राई करते हैं। आगे रियल बर्फ पड़ी है और अभी इसमें चलते हैं, एक दूसरे को बर्फ मारते हैं। तो बहुत रियल बर्फ है, बर्फ आई भी हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर बर्फ है, कौन सा जो वो ले रहे हैं वो ना, जितना खींचोगे ना इतना तेज होगा वो जाके। आप मुझे बताओ, चलो ये देखे, और बर्फ आई भी हो रही है ऊपर से आर्टिफिशियल, और नीचे बर्फ आई है लिटरली। तो गाइस आपको मैं बताता चलूं कि मैं मुंह ज्यादा नहीं खोल रहा ठंड की वजह से, उफ मैं से बोला नहीं जा रहा, चीखा नहीं जा रहा गाने की वजह से, मैं व्लॉग भी नहीं सही बना। सो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितनी ज्यादा वीडियो उतना अच्छा हो। अभी मैं आया हूँ जिपलाइन लेने के लिए ऊपर, अभी बांधेंगे और फिर जिपलाइन आगे जाएगी, और मैं आपको स्लाइड भी दिखाती हूँ जो मैंने पहले ली थी। तो आगे वो स्लाइड और ये साइकिल वाली स्लाइड भी लेनी है अंदर से, और अभी हम थे उधर। बाकी ये सारी स्लाइड्स आज हम कवर करेंगे और देखेंगे कैसी है और कैसा है एक्सपीरियंस है 1500 रुपीज़ का। तो ये देखें, मैं अबू अभी वहाँ से आए हैं, वो उसको भी पहनाए हैं बेल्ट और उसे भी भेजे हैं। तो इसके बाद है मेरी भाई प्रितिश। प्रितिश प्रितिश कैसा फील कर रहा है? तो अभी ये जा रहा है, उसके बाद मेरी भाई है। ऊपर हो गए, मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि तुम अंडर एज हो, तुम्हारा कद भी छोटा है। तो मैं दूसरा कसम पे चला गया, लेकिन दिल चाह रहा था सलूंग का, लेकिन वो मुझे लेने ही नहीं दें। तो अभी दूसरे स्लाइड्स ही हम एंजॉय कर पाएंगे, या क्या मसला है इनको, मैं जा सकता था अच्छे तरीके से। अभी हमें दूसरी एक स्लाइड पे आए हैं, गोल गोल घूमती है बहुत तेज, तो
सो अभी लाइन है और लाइन अभी फुल हो गई है, तो अभी मैं नहीं जा सकता। गोल गोल घूम के बस पे बहुत मजे की आवाज नहीं निकलनी तुम्हारी। अभी एक्सपो गाइस अभी राइट स्टार्ट होने वाली है, अभी हम बैठ चुके हैं इस पे, तो बस ये नीचे से बोलने के लिए अब देखते हैं कितनी तेज ये जाएगी। शिव वेटिंग फील्ड और ये क्या, तो गाइस ये स्टार्ट हो गई है चलना और अंकल अभी ये स्लो चल रही है, देखते हैं कितनी तेज होगी, हल्की हल्की तेज हो गई है। लेकिन अभी इतनी तेज नहीं है। सो गाइस ये मेरे पास स्लाइड पे आए, वो थोड़ी बीच में सब खुली गोल है और साइड में खुली हुई है, सब चलते हैं इसमें भी। इसकी भी स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन कहीं पर रुक गई है। ओ भाई ओ भाई गाइस स्पीड है भाई, ओपी स्पीड, लव इट। सर्दी से थक गए हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो अभी हमने लिया हॉट चॉकलेट, मैंने हम तीनों कज़न ने हॉट चॉकलेट लिए, मैंने मेरे भाई ने और एक कज़न ने दूसरे कज़न ने, एक कज़न ने हॉट चॉकलेट नहीं ब्राउनी लिया, तो हमारे एक घंटा भी पूरा हो गया जितने की हमने टिकट ली थी। सो अभी चलते हैं भाई, बहुत मज़ा आया भाई, 1500 रुपये वर्थ इट थे जितने जो भी हमने लिया, और अब मैं आगे क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ा आया। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप कराची में हैं एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेकिन भाई वर्थ इट है, आपको लाइफ में एक एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। अभी हम विंटर लैंड के बाहर आ चुके हैं और अभी हमने हॉट चॉकलेट ले ली और वो भी पी ली। सो अभी क्या कहते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड था बच्चों का कार्निवल, वहाँ पे लिखना था मार्कर से, हम भी लिख के आ गए कुछ ना कुछ। तो अभी चलते हैं घर, यहाँ पे सब खाए, अबू के दोस्त आए तो फिर जाते हैं घर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, और अभी हम इतने ज़्यादा घंटे से अंदर थे तो अभी ठंडे टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तभी भी कई हाथ और अंदर बॉडी सुन है, और मैं अम्मी मैं अबू मैं भाई सारे सैंडल पहन के आए, वो उनकी तो हालत टाइट है क्योंकि ठंडी ठंडी बर्फ़ उनके पाँव पे पड़ी है, मैं तो शूज़ पहन के आ गया तो मैं सेफ रहूँ, और बहुत मज़ा आया। अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए, वर्थ इट था, 1500 रुपीज़ पर टिकट है और वर्थ इट है। तो कैसा मज़ा आया प्रीतिश, प्रीतिश कैसा लगा, प्रीतिश प्रीतिश कैसा लगा, कैसा लगा? तो गाइस ये देखें, मैं ले लूँ, मैं लूँगा।